हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक सब्ज़ी लेग की रेसिपी लाई हूँ। ये सब्ज़ी बनाए बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके लिए हम 2 कटोरी बेसन लिए हैं और दो कटोरी इस मेजरमेंट कप से हम 2 कप बेसन लिए हैं। इसमें हम लहसुन का पेस्ट डाल दिए और हल्दी डाल दिए हैं। टेस्ट के अनुसार, कलर के अनुसार हल्दी डालेंगे जितना हमारा मेजरमेंट है, और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा ये काली मिर्च और नमक, लाल मिर्च डाल दिए और नमक, और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे जिससे लम्स नहीं पड़े। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि बेसन में अगर हम जल्दी से पूरा पानी डालेंगे ना तो बेसन जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा और उसमें गांठें पड़ जाएगी। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा से एक बैटर बना लेंगे। इसको कलछी की सहायता से करेंगे और अच्छे से घोल लेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छे से फेंट कर उसको स्मूथ बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी ना बहुत कम तेल में बनती है। बेसन की तो कई प्रकार की सब्ज़ियाँ हैं, पर इसको बनाने के लिए हम तवे पे बहुत कम तेल ग्रीस करके और उस पर इसको बनाएंगे। इस तरह से हम ये डोसे की आकार का इसको बना लेंगे, पर इसको हम पलटेंगे नहीं। इसको हम सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, वो पक रहा है तब तक हम ये सरसों, पीली सरसों में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पीली सरसों डालेंगे। ये 2 टमाटर हम मीडियम साइज़ का काट के ले लिए हैं और उसमें लहसुन डाल दिए हैं और इसको हम चला लेंगे। ये हमारा बन गया है। इसको हम अभी इसी तरह से पलटेंगे, इसमें कोई कुछ भी अलग दोनों साइड से हमें इसको नहीं पकाना है। हम इस तरह से ही इसको पलटेंगे और इसे अच्छे से सेक कर निकाल लेंगे। इस तरह करके हम सारे बैटर जितना है सभी को बना लेंगे। इस तरह ग्रीस करके, ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है हमें। इस सब्जी को आप ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अभी हम कढ़ाई गर्म कर लिए हैं इसमें हम हींग डाल देते हैं और पचफोरन, जो 5 तरह के मसालों का रहता है, पचफोरन वो डाल दिए। और ये लाल मिर्ची को हम तोड़ कर डालते हैं। तोड़ कर डालने से ना लाल मिर्ची का फ्लेवर जो मसाले में है ना, बहुत अच्छा आता है। इसी तरह हम करके सारे ये जितने बेटर हमारा है उसको हम इस तरह बना लिए। और ये मसाले, इसमें हम जो सरसों और लहसुन टमाटर पीसे थे उसको हम डाल दिए और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर हम धीरे धीरे भूनेंगे। और इस सारे मसाले जो हैं, हल्दी डालें, काली मिर्च, जीरा और धनिया, और उस मसाले में हम सरसों डाले थे, लहसुन और हल्दी और मिर्ची, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए थे कलर के लिए। बहुत नाम मात्र का तेल में ये सब्ज़ी बन जाता है, बहुत कम तेल में, और बहुत ही टेस्टी बनता है। बाकी अब इसमें कुछ भी डालने का नहीं है। अभी हम ये मसाले भून जाएगा अच्छे से, तो सिर्फ हम इसमें दही डालेंगे। अभी हम गैस बंद कर दिए थे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म हो गया था। अभी लो मीडियम में इसको हम भून लेंगे। ये जब अच्छे से भून जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा, तो इसमें हम दही डालेंगे। और इस तरह हम सारे जितने भी हमारे बैटर हैं उस तरह से इसको हम बना लेंगे। ये दही है, इसको हम अच्छे से फेंट कर रख लिए थे। अभी हम इसमें डाल देंगे और डालकर इसको थोड़ा भून लेंगे, और भून कर अभी हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। और ग्रेवी को थोड़ा सा उबाल आएगा। ये सब पीस पीस हम इसको काट लिए। ये बिल्कुल फीस की तरह लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी भी आप बनाकर इसको देखेंगे, बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा, तुरंत बन जाता है। इस तरह से हम सारे पीसेस को इसमें डाल देंगे और बस एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, तो वो जो ज़्यादा पकाने से वो फूल जाएगा तो टेस्टी नहीं लगेगा। इधर मैं चाय भी बना रही थी और इधर हमारा सब्जी भी बन रहा था। इस तरह से हमारा सब्जी तैयार हो गया है
अभी देखिए सब्जी का कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया है ग्रेवी का। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद।